हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग निधि, गुड इवनिंग शांति, गुड इवनिंग आशी, गुड इवनिंग अमिना। हाँ आशी, क्योंकि मैं डिपार्टमेंट से जस्ट आई हूँ। गुड इवनिंग अमिना, हमारी एजुकेशन की क्लासेस स्टार्ट है। पेपर टू की क्लासेस हमारी स्टार्ट है। डेली 9 PM को चलती है हमारी ऐप पे। डेली 9 PM पे हमारी पेपर टू की क्लासेस चल रही है। हेलो सुस्मिता, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी से लिंक को सभी को शेयर करके आओ अपने अपने ग्रुप्स में। मैं भी एक बार टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूं कि लाइव हूँ। एक सेकंड बस वेट करो और बाकी लोग ग्रुप में शेयर करके आओ। गुड इवनिंग सुजाता। हेलो वर्षा, गुड इवनिंग निधि। सो आज हम लोग जो है पेपर वन का आईसीटी करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, आईसीटी की क्लास में आपको एक एक चीज याद करा दूंगी, कुछ भी आपका नहीं बचेगा। गुड इवनिंग एंजल, गुड इवनिंग सुरजी। तो हम लोग एक एक चीज करेंगे, मतलब एकदम ऐसा समझ के कराऊंगी कि मुझे पता है कि आपको उसका ए भी नहीं आता हो। मैं एकदम ऐसे बेसिक से कराऊंगी कि आपको एकदम सब कुछ क्लियर भी हो जाए और आपका बाद में एग्जाम में क्वेश्चंस भी बनने लगे। ठीक है, तो रेडी हो सब आज के सेशन के लिए? जल्दी से एक थम्स अप वाला साइन दे दो और सभी को शेयर कर दो सेशन को अपने दोस्तों के साथ। पेपर वन आप हर जगह शेयर कर सकते हो, तो जितने भी ग्रुप से सब जगह शेयर करो। गुड इवनिंग पुनी। चलो, तो हमारा आज का जो सेशन है वो मेनली थोड़ा कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के जो ब्लॉक डायग्राम है जिससे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं वो, मेमोरी क्या है जैसे कि हमारी प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, उन सबको करेंगे। ठीक है, हम उन सबको आज के सेशन में करेंगे। ओके, और फिर जैसे ये फिनिश होगा तो हम लोग, जैसे ही पूरा आईसीटी फिनिश होगा तो हम लोग इसके PYQ भी करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया गाइस, ऐप को डाउनलोड कर लो, क्योंकि अगर कोई भी पेपर वन की जो फ्री क्लासेस की अगर कंटेंट मैं प्रोवाइड करूंगी तो ऐप में ही प्रोवाइड करूंगी, तो ऐप को डाउनलोड कर लो और जितने भी फ्री पेपर वन की क्लासेस हैं उनको इनरोल कर लो। गुड इवनिंग प्रताप। एंड जिन लोगों ने अभी तक ऐप को रिव्यू नहीं दिया है, ऐप को रिव्यू दो गाइस, और साथ ही साथ ऐप के अंदर कोर्सेज को भी रिव्यू दो, कोर्स कैसा था जो लोग प्रीवियस कोर्सेज में थे। एंड हमारी पेपर टू की न्यू बैच स्टार्ट हो चुकी है। Those who want to enroll, enroll हो सकते हो। यहाँ मंथली सब्सक्रिप्शन भी है तो आप इसको enroll कर सकते हो और वन टाइम भी है, आपको जो कन्वीनियंट हो। तो डेफिनेटली जिनको भी पेपर टू फ्रेश स्टार्ट करना है फॉर दिसंबर, डोंट वेट, स्टार्ट फ्रॉम नाउ, क्योंकि यही अभी सही टाइम है हमारा स्टार्ट करने का। मैं ठीक हूँ प्रताप। तो शुरू करें आज का सेशन। हमारा आईसीटी का सिलेबस में देखो, सिलेबस की बात करेंगे तो कितना कम है सिलेबस। जनरल एब्रीविएशन और टर्मिनोलॉजी, बेसिक्स क्या है इंटरनेट के, इंट्रानेट के, ईमेल, ऑडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव्स क्या और आईसीटी एंड गवर्नेंस है। सिलेबस में सिर्फ इतना है। अब मुझे बताओ क्या हमारे एग्जाम में सिर्फ इतने पार्ट से आता है? नहीं आता है, यानी इन डेप्थ और इन डिटेल्स आता है ना, तो हम उसको भी देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कंप्यूटर, ये सबसे, ये भी आया हुआ है, इवन ये भी 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आया हुआ है। सबसे पहले क्या, कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? हाँ वही ना, एग्जाम में टफ क्वेश्चन आती है और सिलेबस क्या दिया है, थोड़ा सा दिया है, बट अभी हम लोग सारा कुछ कर पाएंगे और आप डेफिनेटली इस क्लास को देखने के बाद आपका क्वेश्चन बनेगा। कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है हमारा? तो कंप्यूटर क्या है? एक ऐसा डिवाइस है, यानी एक ऐसा उपकरण यानी डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसमें कि हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं और प्रोसेस कर सकते हैं। गुड इवनिंग सत्य जी। क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं और प्रोसेस कर सकते हैं, है ना, ये कीवर्ड है। और एग्जाम में इससे आया हुआ है कि स्टोर, रिट्राइव, प्रोसेस डाटा, इसकी ये किसकी कीवर्ड है या ये इस, इस ये किसका फंक्शन है? तो डेफिनेटली ये किसका फंक्शन है? हमारे कंप्यूटर का। यानी कंप्यूटर क्या है? एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जहां पे हम चीजों को स्टोर कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम सारा कुछ कर सकते हैं, राइट? एक मिनट गाइस, मुझे किसी का मैसेज। गुड इवनिंग ज्योति। एक मिनट, मुझे किसी का मैसेज नहीं दिख रहा है। हाँ अभी मेरी वॉइस तो सबको क्लियर है ना? चलो अभी ठीक है। यानी कंपोनेंट और
हम बात करेंगे कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर क्या है हमारा, जहां पे स्टोर कर सकते हैं, साथ ही साथ क्या ये रॉ डाटा को एक्सेप्ट करेगा, यानी जो भी हम रॉ डाटा देंगे उसको एक्सेप्ट करेगा, उसको इनपुट करेगा, प्रोसेस करेगा एक, यानी उसको प्रोसेसिंग करेगा और उसको एज अ आउटपुट देगा, यानी डेफिनेटली क्या करेगा, एक डाटा हमने जिसको इनपुट किया है एज अ रॉ, उसको वो क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा और उस प्रोसेसिंग से वो क्या करेगा, आउटपुट लेके आएगा, है ना। यानी डाटा हमने दिया है प्रोग्राम में, जो भी हमने कच्चा डाटा या जो भी दिया हो उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद उस यानी उस पे काम करेगा, उसके निर्देश करेगा, ये सारा कुछ। जिसको स्लाइड क्लियर नहीं है ना, वो अपने क्वालिटी बढ़ाओ, सेटिंग्स में जाओ, सेटिंग्स में क्वालिटी पे क्लिक करो, एडवांस पे क्लिक करो और वहां पर जाके 480 या 360 को चूज करोगे, स्लाइड क्लियर हो जाएगी। इसलिए स्लाइड क्लियर नहीं है क्योंकि अपनी तरफ से स्लाइड को क्लियर करो, या आपकी सेटिंग में स्लाइड क्लियर होगा, ठीक है। यस बिल्कुल, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। अब ये देखो, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है, ब्लॉक डायग्राम, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉक डायग्राम कहते हैं, बिल्कुल इसको क्या कहते हैं, ब्लॉक डायग्राम कहते हैं। यानी ये कैसा, गुड इवनिंग सायमा, गुड इवनिंग अपर्णा, ये कैसा ब्लॉक डायग्राम है, ये कैसा जनरल पर्पज मशीन है कंप्यूटर की अगर बात करेंगे, जो कि हमको इनपुट को एक्सेप्ट करेगा, उसको स्टोर कर सकता है, उसको मैनिपुलेट कर सकता है और उस डाटा को जनरेट कर सकता है, यानी आउटपुट, यानी इनपुट हमारा प्रोसेसिंग करेगा एंड आउटपुट लाएगा। और ये सब में क्या हो सकता है, हमारी डाटा में कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, मैं ठीक हूं सायमा, एक ग्राफिक हो सकता है, वॉइस हो सकता है, सिग्नल्स हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है हमारे इनपुट में, और जिसको हम डाटा के प्रोसेस में लाएंगे वो भी हो सकता है। अब ये ब्लॉक डायग्राम क्या कहता है, इससे हमेशा क्वेश्चन में आता है, तो इसको पहले समझते हैं क्योंकि यहीं से हम अब अपने बेसिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो ब्लॉक डायग्राम कहता है, ये कहता है कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है। ब्लॉक डायग्राम यानी कहने का सेंस है, जो कि मेरा इनपुट डिवाइस है, यहाँ प्रोसेसिंग चल रहा है, प्रोसेसिंग में कौन कौन इन्वॉल्व है, हमारा सीपीयू इन्वॉल्व है, मेमोरी इन्वॉल्व है। अब देखो यहीं पे मेरा फंक्शन भी आ रहा है, मेमोरी क्या करता है, स्टोर करता है, सीपीयू क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, और अभी हमने जस्ट पढ़ा ना, जो कि डाटा को रिट्राइव कर रहा है, डाटा को कौन है, ये डाटा है, इसको रिट्राइव कर रहा है कहां पे, यहां पे, और फिर आउटपुट की फॉर्म में दिया जा रहा है। तो ये क्या है हमारा ब्लॉक डायग्राम, और इससे क्वेश्चन आता है कि ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर में किस सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है। हाँ बिल्कुल अटेंड कर सकते हो सैम, पेपर वन की क्लास चल रही है, बिल्कुल अटेंड करो, फायदा ही होगा, और ये फर्स्ट क्लास में समझ नहीं आएगा, जब आप पेपर वन की क्वेश्चंस बनाना शुरू करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ क्लासेस कितना बेनिफिशियल हो रहा है, ठीक है। तो अब ये देखो, यही हमारा ब्लॉक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम में देख रहे हो डाटा, डाटा से आया इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट से स्टोरेज यूनिट, जिसको कि हम मेमोरी कहते हैं, जिसमें हमारा सेकेंडरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज, फिर हमारा प्रोसेसिंग के लिए कंट्रोल यूनिट और ALU, जो कि मेजर कौन है इसका, CPU, और तब आया आउटपुट यूनिट और तब निकला इंफॉर्मेशन। और ये सीक्वेंस एग्जाम में पूछता है क्या, पहले डाटा, यानी हमने कोई डाटा दिया होगा, कहां पे, इनपुट यूनिट के थ्रू, कहां गया वो, पहले स्टोर हो रहा है और प्रोसेसिंग हो रहा है, प्रोसेसिंग कहां हो रहा है, CPU के थ्रू, और CPU किस में डिवाइडेड है, हमारा कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, CU और ALU, फिर हमारा आउटपुट यूनिट, और जो कि किसमें, इंफॉर्मेशन में। अब इनका काम क्या है, ये एग्जाम में पूछता है कि भाई CU का काम क्या है, ALU का काम क्या है, CPU का काम क्या है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इनका काम क्या है। तो आ जाओ यहां पर देखते हैं, सबसे पहले तो इनपुट का हमने ऑलरेडी देख लिया कि रॉ इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में डालेगा, पहला क्या करेगा, रॉ इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में डालेगा, प्रोसेस में क्या है, वो ऑपरेशन करेगा, यानी जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसको क्या करेगा, ऑपरेट करेगा, और आउटपुट में क्या है, आउटपुट में जो भी डाटा ने कंप्यूटर ने डाटा को जो भी प्रोसेस किया, आफ्टर प्रोसेसिंग वो क्या कर रहा है, उसको एज अ रिजल्ट आउटकम कर रहा है, एज अ रिजल्ट वो बाहर दे रहा है, और ये रिजल्ट कहां स्टोर हो रहे हैं, डिवाइसेज में स्टोर हो रहे हैं फॉर फ्यूचर यूज,
ठीक है, तो ये तो हम लोग सब जानते हैं। अब हम समझते हैं, यहाँ पर आ जाओ। अब यहाँ से कीवर्ड जो आपकी नोट्स में होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, कि हमारा क्या है भाई, सीपीयू। मैंने बोला सीपीयू दो भाग में बट रहा है हमारा, किसमें, सीयू और एएलयू। सीयू क्या है, कंट्रोल यूनिट है, जो कि क्या करेगा, कंट्रोल करेगा किसको, ये कैसा सर्किट है जो जितने भी ऑपरेशंस हैं, जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको ये कंट्रोल करेगा, जैसे कि आपकी मेमोरी यूनिट, जैसे कि बोथ इनपुट एंड आउटपुट, उन सबको ये कंट्रोल करेगा, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस सबको कंट्रोल करेगा। और एग्जाम में इसी से आया था कि हाउ टू रिस्पॉन्ड, क्या, हाउ टू रिस्पॉन्ड किसका है पार्ट है, हाउ टू रिस्पॉन्ड किसका है, तो वो किसका है, सीयू। ये कीवर्ड्स मैं लिख रही हूं यहां पर, यानी सीयू क्या करता है, कंट्रोल यूनिट, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे मेमोरी यूनिट में, कैसे लॉजिकल यूनिट्स, इन सबको वो कंट्रोल करेगा, कौन, सीयू। वही जब हम अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट की बात करेंगे, यानी एएलयू की बात करेंगे, तो ये यहां क्या बात करता है, ये भी दो भाग में डिवाइडेड होता है, क्या, एक हमारा अरिथमेटिक और एक हमारा लॉजिक। अरिथमेटिक क्या बोलता है, जहां पे हम प्लस माइनस शिफ्टिंग इस तरीके के ऑपरेशंस को, मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात करते हैं, ठीक है, यानी कंप्यूटर जो भी हमारा प्लस है माइनस या कोई भी डाटा को मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे बात करना होता है, तो ये। और लॉजिक क्या बात करता है, लॉजिक में जैसे कि हम, जैसे हम जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर मेनली जीरो और वन पे वर्क करता है, तो जब हम इस तरीके का गेट या फिर एंड और इस तरीके का बात करते हैं तो वो होता है लॉजिक। यानी ये दोनों को जब मिला देंगे तो बनता है मेरा एएलयू, और जब ये दोनों को मिला देंगे तो बनता है मेरा सीपीयू, है ना। यहां तक कोई डाउट है किसी को, बोलो, मुझे किसी का मैसेज नहीं दिख रहा, यहां तक कोई डाउट है किसी को, बोलो। गुड इवनिंग मुमुन, ठीक है, वेरी गुड। तो ये हमारा क्या है, सीपीयू। अब देखो यहां पे ऑलरेडी लिखा है प्रोसेसर यूनिट के अंदर आता है हमारा सीपीयू, जो मैंने अभी जस्ट बताया। सीपीयू क्या है, हमारा ब्रेन है कंप्यूटर सिस्टम का। सीपीयू क्या है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन है, जिसमें दो मेजर कंपोनेंट आते हैं, जिसको मैंने ऑलरेडी फ्लो चार्ट में दिखा दिया। एक हमारा एएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, और एक हमारा कंट्रोल यूनिट यानी सीयू, कंट्रोल यूनिट यानी सीयू, ठीक है। अब इसको भी मैंने दिखा दिया, अरिथमेटिक में क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन, एडिशंस, मल्टीप्लिकेशंस और डिविजन्स। हाँ सुमन, ये पहली क्लास है आईसीटी, इसके पहले ऑलरेडी आज मैंने प्लेलिस्ट यूट्यूब पे शेयर किया है, जितनी भी प्लेलिस्ट है मैंने यूट्यूब पे शेयर किया है, जो करा रखी हूं, जिनका पीवाईक्यू भी करा रखा है, अभी और आगे भी कराऊंगी, ठीक है। और अभी आज से आईसीटी स्टार्ट हुआ, जैसे आईसीटी फिनिश होगा तब आप लोगों का मैथ का प्रैक्टिस कराऊंगी, ठीक है। फिर एक कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट में क्या, मैंने अभी जस्ट बोला, जो मेरे किसको कंट्रोल करेगा, सारे डिवाइसेस को कंट्रोल करेगा, मेमोरी इनपुट आउटपुट कनेक्टेड टू सीपीयू, इन सब का अभी जस्ट मैंने फ्लो चार्ट बता दिया आपको। अब आते हैं हम यहां पर कि जो हमारे इन मेमोरी यूनिट है, यहां ब्लॉक, पहले ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। तो देखो ब्लॉक डायग्राम में हमने इनपुट यूनिट पढ़ना था, ठीक है शांति, वो हमारी अल्टरनेट चलती है, पेपर टू की डेली क्लास चल रही है ऑलरेडी ऐप पे, क्योंकि कंटेंट ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ करा रखा है यूट्यूब में, ठीक है, ऑलरेडी बहुत कुछ कंटेंट करा रखा है। इस बार सबका पेपर वन गड़बड़ाया था, तो मैं चाहती हूँ कि पेपर वन भी आप लोगों का ऐसा कर दूं कि आपका क्वेश्चंस बन पाए, तो इस बार पेपर वन पे ज्यादा फोकस होगा। जिनको भी पेपर टू करना है वो फ्री कोर्सेज में, जिनको फ्री कोर्सेज से करना है वो ऑलरेडी फ्री कोर्सेज में सब कुछ कराया हुआ कर सकते हो, जिनको बैच में ज्वाइन होना है, बेसिक से एक एक चीज पढ़ना है विथ ऑल स्ट्रेटेजी एंड एवरीथिंग फॉर बोथ पेपर वन एंड पेपर टू, तो वो मुझे वो बैच ज्वाइन कर सकता है। एल्स हमारी फ्री क्लासेस, चाहे वो पेपर वन की हो चाहे वो पेपर टू की हो, वो दोनों हमारी 7 बजे ही चलेगी। जिस दिन पेपर वन होगा उस दिन भी पता चल जाएगा, और पेपर टू का उस दिन भी, डेली 7 PM पे क्लास होगी हमारी डेली, ठीक है। चलो तो अभी जैसे देखो, हमने देखा इनपुट यूनिट क्या होता है, हमने देख लिया आउटपुट यूनिट भी, हमने देख लिया कि आउटपुट यूनिट में क्या है, जो भी डिवाइसेस हमारे रिजल्ट परफॉर्म करता है, और हमने ये भी देख लिया सीपीयू।
अब जो दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो सबसे बड़ा क्वेश्चन किससे आता है, इसी स्टोरेज यूनिट से आता है। किससे आता है? स्टोरेज यूनिट से आता है। तो आज हम लोग देखते हैं, स्टोरेज यूनिट को हम लोग कई बार मेमोरी यूनिट के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है? ये सबसे एसेंशियल कंपोनेंट है किसी भी कंप्यूटर का, जहां पे सारे डाटा, चाहे वो इंटरमीडिएट हो या फाइनल रिजल्ट्स हो, सभी के सभी क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। सभी के सभी डाटा क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। जिनको कि हम डाटा क्या क्या जाता है, पहले मेन स्टोरेज में या इनपुट यूनिट से जो ट्रांसफर होता है, कहां पर? कंप्यूटर की मेमोरी में, जहां पे वो प्रोसेसिंग के लिए अवेलेबल होते हैं। ये तो क्या है हमारा, मतलब सीधी सी बात है, मेमोरी यूनिट, जहां पे क्या, सभी डाटा को स्टोर किया जाता है। पहला कीवर्ड मेमोरी यूनिट में क्या, सभी डाटा को क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। यानी स्टोरेज डिवाइस है किस चीज के लिए, अगर हम इसकी कीवर्ड के फॉर्म में बात करें कि ये क्या है, तो स्टोरेज डिवाइस है। किस चीज के लिए स्टोरेज डिवाइस है हमारी? तो ये स्टोर करेगा हमारे किसको, स्टोरिंग डाटा को, एक्सट्रैक्ट करने में हर तरीके की चीज को ये क्या करेगा, स्टोर करेगा। ये सारा कुछ सभी को या तो टेम्पररी होल्ड करेगा, यानी टेम्पररी डाटा को रखेगा, ये कीवर्ड्स कर रहे हैं मेमोरी यूनिट के, ठीक है, या फिर परमानेंट रखेगा। क्या करेगा? टेम्पररी रखेगा या परमानेंट रखेगा। जो भी डाटा या इंस्ट्रक्शंस हैं, जितने भी डाटा और इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको वो क्या करेगा, स्टोर करेगा। किस फॉर्म में? बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म यहाँ पे क्या होगा हमारा, जीरो या फिर वन। बाइनरी फॉर्म यहाँ पे क्या होगा, जीरो या फिर वन, ठीक है। हमारे डाटा और इंस्ट्रक्शंस को वो क्या करेगा, स्टोर करेगा। और जिसको कि बाइनरी फॉर्म है, या तो जीरो की डाटा के फॉर्म में या तो वन की डाटा फॉर्म में, है ना। तो ये हमारा क्या होता है, मेमोरी यूनिट होता है। अब इस मेमोरी यूनिट को और आगे पढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर। तो देखो, मेमोरी यूनिट का जब हम बात करेंगे तो हमारी दो तरीके की स्टोरेज यूनिट होती है। कौन सी? एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी। इसको और डिटेल में भी पढ़ेंगे प्राइमरी का क्या है, पहले थोड़ा डेफिनेशन देखते हैं फिर और देखेंगे। प्राइमरी मेमोरी का डायरेक्ट लिंक होता है किसके साथ, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट के साथ। यानी ये स्टोर करता है इनपुट डाटा और कैलकुलेशन रिजल्ट्स को। यानी ये जो प्राइमरी यूनिट है उसका डायरेक्ट लिंक है इनके साथ, यानी किसके साथ, सीपीयू के साथ कहीं ना कहीं डायरेक्ट लिंक होगा, क्योंकि यहीं पे हमारा डाटा को प्रोसेस कर रहे हैं, डाटा को स्टोर कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। सभी का स्टक है क्या? सभी का स्टक है क्या? ठीक है, ओके, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज क्या है, जो कि नॉट एबल टू स्टोर डाटा परमानेंटली फॉर फ्यूचर यूज। सो सम कह रहा है प्राइमरी स्टोरेज, जो कि हमारे, है ना, क्लियर है, ठीक है, जो कि प्राइमरी स्टोरेज क्या है, हमारे प्राइमरी स्टोरेज डाटा को परमानेंटली स्टोर नहीं कर पाता फ्यूचर यूज के लिए। इसीलिए हमें ऐसा टेक्नोलॉजी चाहिए जो कि डाटा को परमानेंटली यूज कर सके। और इसीलिए कौन सा स्टोरेज यूनिट आया है, सेकेंडरी, जिसका दूसरा नाम क्या है, ऑक्सिलरी भी। अब यहां पे फिर से इसकी कीवर्ड पे आते हैं, हमारी दो तरीके की यूनिट कौन सी, एक प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज क्या बोल रहा है, जो डायरेक्ट लिंक होता है किसके साथ, सीपीयू के साथ, प्राइमरी स्टोरेज हमारा। अभी इसके और टाइप्स क्या, हम वो भी देखेंगे, बट अभी जो जितना स्लाइड पड़ा उसके कीवर्ड्स को, किसके साथ डायरेक्ट लिंक होता है, सीपीयू के साथ। ये परमानेंट डाटा को स्टोर नहीं कर पाता है, परमानेंट स्टोर नहीं कर पाता है। इसीलिए हमें ऐसा स्टोरेज डिवाइस चाहिए, जो स्टोरेज यूनिट चाहिए जो परमानेंट स्टोर करे। तो वो कौन है हमारा, सेकेंडरी यूनिट। तो ये परमानेंट स्टोर कर पाता है। अब चूंकि ये सेकेंडरी और परमानेंट स्टोर कर पाता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम भी क्या है, ऑक्सिलरी। और ये भी एग्जाम में आया हुआ है, दूसरा नाम क्या है हमारा, ऑक्सिलरी, ठीक है, दूसरा नाम क्या है, ऑक्सिलरी। अब देखो यहां पर ये पूरा सिस्टम समझा देगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस, सीपीयू प्रोसेसिंग हो रहा है। यहां सीपीयू से डायरेक्ट, अभी मैंने जस्ट बोला ना कि प्राइमरी मेमोरी मेरी क्या होती है, डायरेक्ट कनेक्टेड होती है किसके साथ, इनपुट आउटपुट के साथ। इसका मतलब डायरेक्ट कनेक्टेड है हमारी सीपीयू के साथ। और प्राइमरी मेमोरी को ही क्या बोलते हैं, हम मेन मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। और ये देखो सेकेंडरी मेमोरी हमारी, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, इसको हम बैकअप के लिए यूज करते हैं, क्योंकि यह परमानेंट डाटा को स्टोर करती है। और देखो यहाँ पे प्राइमरी यूनिट क्या है, हमारे ALU कंट्रोल यूनिट, इनके साथ डायरेक्ट लिंक रखी हुई है।
तो ये हमारा क्या है, बता रहा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी यूनिट में कैसे कनेक्शंस हैं, इसको हम लोग बाद में देखते हैं। अब आओ और आगे, फिर हम लोग पीछे स्लाइड पे चलेंगे, पहले ये पढ़ते हैं। तो देखो मेमोरी हमारी अभी जस्ट हमने देखा दो भाग में, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी। अब हम इस प्राइमरी मेमोरी की जब बात करेंगे, प्राइमरी मेमोरी भी मेरा दो भाग में बटा है, कौन सा, रैम और रोम। प्राइमरी मेमोरी भी मेरा दो भाग में बटा है, कौन सा, रैम और रोम। रैम भी दो भाग में, एस रैम और डी रैम, और रोम भी प्रोम, ई प्रोम, डबल ई प्रोम, और एक और कई बार देखोगे अलग अलग जगह एम प्रोम होता है। अब हम इनको पहले यहीं पे कीवर्ड से कर लेते हैं, तब आगे कंटेंट में जाएंगे। रैम को क्या बोलते हैं हम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना, और रोम को क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी। अब इससे पहला क्वेश्चन जो आता है, मैं साथ साथ ये भी बताते चल रही हूं क्वेश्चन क्या आता है। पहला क्वेश्चन आता है कौन वोलेटाइल है और कौन नहीं है। तो याद रखने के लिए देखो यहां ओ है ना, रोम में ओ है, तो याद रखना नन वोलाटाइल होता है ये, क्योंकि नन में भी ओ है, ठीक है। ये क्या होता है, नन वोलाटाइल होता है। नन वोलाटाइल मतलब ये उड़ेगा नहीं इसका जो डाटा है, ठीक है। इसको हम ये ऐसे डायरेक्ट इरेज नहीं होगा, इसको हम चाहे तो अलग अलग तरीके से इरेज कर सकते हैं, बट ऐसे ये वोलाटाइल है, इरेज नहीं होगा। और रैम, वेरी गुड साइमा, और रैम क्या है हमारा, वोलाटाइल, वोलाटाइल जिसकी डाटा तुरंत क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। डाटा क्या तुरंत हो जाएगी, उड़ जाएगी, ठीक है। अब ये रैम मेरे दो भाग में डिवाइडेड होता है, वो दो भाग क्या, एस रैम और डी रैम। एस का मतलब क्या होता है, स्टैटिक, यानी क्या है, स्टैटिक रैम है ये, यानी एक ऐसा रैम जो कि हमारे किससे बना है, यस वेरी गुड मोमेंट, ऐसा रैम जो कि स्टैटिक है। इसके कीवर्ड्स क्या है, तो पहला ये कैसा होगा, ये फ्लिप फ्लॉप होगा, क्या होगा, फ्लिप फ्लॉप की तरह। फ्लिप फ्लॉप क्या, हम लोग आगे देखेंगे। दूसरा क्या, हाई स्पीड होगा ये, क्या होगा, हाई स्पीड, क्योंकि स्टैटिक है, हाई स्पीड होगा। तीसरा ये किसका बना होगा, कैश मेमोरी का। अब ये कैश मेमोरी क्या है, ये भी हम लोग आगे देखेंगे, ये क्या है, कैश मेमोरी का। उसी तरीके से जब डायनामिक रैम की बात करेंगे, तो डायनामिक किसका बना होता है, ट्रांजिस्टर्स का, किसका, ट्रांजिस्टर्स का बना होता है। जैसे ये फ्लिप फ्लॉप का होता है, वैसे ये ट्रांजिस्टर्स का होता है, और ये मेनली मेन मेमोरी का बना होता है। जैसे ये कैश मेमोरी का बना होता है, वैसे ये मेन मेमोरी, मेन मेमोरी को प्राइमरी ही कहते हैं, दोनों प्राइमरी ही है, लेकिन मेन मेमोरी के साथ इसका ज्यादा लिंकअप होता है, और ये कैश मेमोरी के साथ, ये भी हमारी प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता है, ठीक है। तो अब याद, दो क्वेश्चन यहां से आता है। पहला क्वेश्चन तो ये कि वोलाटाइल कौन है और नॉन वोलाटाइल कौन है, तो याद रखने के लिए याद रखना रॉम में ओ होता है, नॉन वोलाटाइल में भी ओ होता है, तो इसे याद रखेंगे नॉन वोलाटाइल फॉर रॉम। और रैम में कहीं भी ओ नहीं है, इसलिए वोलाटाइल का ए और रैम का ए याद रखेंगे, तो ये वोलाटाइल होता है। अब इसको हम लोग बाद में देखते हैं, पहले हम लोग इसको आगे करते हैं। तो आ जाओ यहां पर, सबसे पहले हमने अभी जस्ट देखा रीड ओनली मेमोरी, रॉम। रॉम क्या है, डज नॉट नीड टू बी चेंज, इट सेव्ड इन रीड ओनली, यानी ये सिर्फ रीड, जिसको बदलना नहीं है वो किसमें सेव होता है, रीड ओनली मेमोरी। इसमें हम कोई भी डाटा को न टैम्पर्ड कर सकते हैं, टैम्पर मतलब ना ही छेड़छाड़ कर सकते हैं और ना ही मॉडिफाई कर सकते हैं, ये दूसरा कीवर्ड है, नोट इट डाउन इन योर कॉपी। ना हम इसको टैम्पर कर सकते हैं, यानी ना ही हम इसको छेड़छाड़ कर सकते हैं इस डाटा को, और ना ही हम इसमें कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। रॉम यानी डज नॉट नीड टू बी चेंज, उसको हम कहां सेव करते हैं, रॉम में सेव करते हैं। रॉम हमारे कई तरीके के होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, एमरॉम, जिसको पहले क्या बोलते हैं हम लोग, मास्क्ड रॉम, एमरॉम जिसको क्या बोलते हैं, मास्क्ड रॉम। फुल फॉर्म क्या है, मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी या मास्किंग रीड ओनली मेमोरी। ये क्या है, प्री प्रोग्राम्ड, यानी पहले से ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा हुआ है एंड हार्ड वायर्ड है, यानी कोई भी टेस्ट इसमें किसी भी तरीके से बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। देखो यहां फिर से डायग्राम पे आओ, ये देखो हमारा रॉम था जो कि नॉन वोलेटाइल है, यानी उड़ नहीं सकता, गायब नहीं हो सकता,
उसी में हमारा यह एम्प्रोम है। एम्प्रोम क्या? मास्ट प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एम्प्रोम, एम्रोम भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो यह हमारा एम्रोम है, मास्ट रीड ओनली मेमोरी। फुल फॉर्म इसकी जरूर आती है, गुड इवनिंग प्रीति, इसकी फुल फॉर्म आती है, सो नोट इट डाउन एवरीवन। दूसरा है हमारा प्रॉम। प्रॉम क्या? जो कि प्रोग्रामेबल रॉम है। इसका फुल फॉर्म क्या? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसके खासियत क्या है? यूजर परचेज करता है इसमें ए ब्लैंक प्रॉम, यानी पहली बार में वो ब्लैंक को परचेज कर रहा है और वो वैसे कंटेंट को इसमें नोट डाउन कहने का सेंस है, वैसे कंटेंट की प्रोग्रामिंग इसके अंदर करता है जिसको बाद में बदला नहीं जा सकता है अगर एक बार लिखा गया तो, वंस इट कैन नॉट बी चेंज, ठीक है, क्लियर। प्रॉम में प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में क्या है? यूजर परचेज अ ब्लैंक प्रॉम परचेज कर रहा है और इसमें क्या करता है? टेक्स्ट लिखता है। हम इसकी कीवर्ड को फिर से यहां पे करेंगे, अभी सिर्फ सुनते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा ई प्रॉम। ई प्रॉम का फुल फॉर्म क्या है? ई प्रॉम है हमारा इरेजेबल। ई प्रॉम क्या है? इरेजेबल है, यानी कैन बी इरेज्ड, एक बार इरेज किया जा सकता है एट अ टाइम। और इरेज करने के लिए क्या यूज किया जाता है यहाँ पर? यूवी रेज। और एग्जाम में आया हुआ है ये, याद रखना, एग्जाम में आया हुआ है ये कि जो ई प्रॉम है उसकी डाटा को अगर हमको इरेज करना होता है तो कौन से चीज का यूज करते हैं? तो यूवी रेज का। तो देखो, ई प्रॉम टू यूवी रेडिएशन कंटेंट कैन बी मॉडिफाइड। तो इसको हाईलाइट करके लिखना, स्टार मार्क देख करके, कि ई प्रॉम में जब डाटा को ओरिजिनल मटेरियल हमको हटाना होता है तो हम किसकी हेल्प से हटाते हैं? तो विद द हेल्प ऑफ यूवी रेडिएशंस, ठीक है। दूसरा है हमारा डबल ई प्रॉम। डबल ई में ऑलरेडी ई आ चुका है। हम अब देखो, इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका, एक तो हमारा एमरोम है, मास्किंग रीड ओनली मेमोरी। फिर आया हमारा पीआरओएम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर आया हमारा इसी पी के आगे ई लग गया, ई पी आर ओ एम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और फिर डबल ई हो गया। डबल ई का मतलब इलेक्ट्रिकली। क्या? इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है ये, ठीक है। ये प्रोग्राम, ये क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है, ठीक है। रॉम कैन बी मॉडिफाइड बाय इरेजिंग द कंटेंट दैट कैन बी इजिली डिलीटेड इलेक्ट्रिकली। तो याद रखना, इसको कैसे डिलीट कर सकते हैं? इलेक्ट्रिकली से, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल से। किससे? वेरी गुड मुनमुन, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से। किससे? इलेक्ट्रिकल सिग्नल से। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल सारे डाटा को एक बार में रिमूव नहीं करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वन बाय वन। कैसे करेगा? वन बाय वन डाटा को रिमूव करेगा, ठीक है। कैसे करेगा हमारे डाटा को रिमूव? वन बाय वन। समझ आ रहा है किसी को? कोई डाउट तो नहीं यहां पर किसी को भी? और सेशन को सभी को शेयर करो गाइज, क्योंकि पेपर वन तो बहुत लोग पढ़ते हैं, तो सबको शेयर करो एंड आस्क एवरीवन की हमारी क्लासेस चल रही है ना। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। अब हम लोग यहां आ जाओ, कीवर्ड्स लिखते हैं, ठीक है। पहले हम इसकी कीवर्ड्स को लिखते हैं। तो जल्दी जल्दी बताओ, प्रॉम का कीवर्ड, पहला कीवर्ड क्या है? पी से क्या है हमारा? प्रोग्रामेबल। पी से क्या है हमारा? प्रोग्रामेबल। दूसरा ये क्या है? एम्प्टी। अगर हम प्रॉम ले रहे हैं तो इसको हम वन टाइम ऐसे कंटेंट को नोट डाउन करते हैं जिसको बाद में बदल नहीं सकते, वी कांट चेंज इट। हम एक बार लिख दिए तो उसको बदल नहीं सकते हैं, है ना। और फिर क्या है, एक और इसमें कीवर्ड ऐड करो, क्या? ये किसका बना होता है? पॉलीसिलिकॉन वायर का या फिर नाइक्रोम का। किसका बना होता है? पॉलीसिलिकॉन वायर का या फिर नाइक्रोम का, ठीक है। फिर आओ हमारा ई प्रॉम। पहला ई का मतलब क्या है? इरेजेबल है। बाकी फुल फॉर्म सेम टू सेम रिपीट होगा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, है ना। और इसमें हम क्या कर सकते हैं? इरेज कर सकते हैं एट वन टाइम, है ना। डिलीट डाटा एट अ टाइम, जो भी डाटा होगा उसको एक बार में डिलीट किया जाता है, डिलीट डाटा एट अ टाइम। और किसकी हेल्प से ये डिलीट होता है? क्या एग्जाम में आएगा? यूवी रे की हेल्प से। फिर नेक्स्ट हमारा डबल ई। डबल ई का कीवर्ड क्या है? बिल्कुल साइमा, अगर पहले का नोट है तो उसमें एड ऑन कर सकते हो, इलेक्ट्रिकली। इलेक्ट्रिकली क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्राइमरी रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली, यानी इसमें कैसे डाटा इरेज कर सकते हैं?
इसमें भी डाटा इरेज कर सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, है ना। और साथ ही साथ यहां डाटा एट अ टाइम, एक बार में डाटा डिलीट हो रहा है, और यहां डाटा कैसे डिलीट होगा जल्दी बताओ, यहां डाटा कैसे डिलीट होगा, वन बाय वन, डाटा कैसे डिलीट होगा यहां पर, वन बाय वन, वेरी गुड दुर्गेश्वरी, वन बाय वन, यस वेरी गुड ज्योति, वेरी गुड, वेरी गुड नश्री, क्लियर है ये रॉम पूरा। अब जल्दी से बताओ दोनों में नॉन वोलेटाइल कौन है, रैम की रॉम, तो याद रखने का तरीका मैंने बताया, ओ का क्या है, वेरी गुड बिट्टू, ओ का क्या है हमारा, नन, तो नन वोलाटाइल कौन है हमारा, रॉम, है ना, नन वोलाटाइल कौन है हमारा, रॉम, गुड। चलो तो ये तो हो गया हमारा रीड ओनली मेमोरी। अब बात करते हैं रैम, जिसकी कीवर्ड ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, बस एक बार उसको कंटेंट से भी देख लेते हैं। रैम क्या है हमारा, एनी सिस्टम प्रोसेस जो कि एग्जीक्यूटिव पुट इनटू रैम, जिसको एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूशन में लाना है, वो किस में जाएगा, हमारे रैम में जाएगा, जहां प्रोसेस होता है किसके द्वारा, सीपीयू के द्वारा। रैम कितने दो भाग में डिवाइडेड होते हैं, एक तो एस रैम जिसको हम स्टैटिक रैम कहते हैं, और एक डायनामिक रैम जिसको डी रैम कहते हैं। डायनामिक रैम क्या है, मस्ट बी रिफ्रेश्ड, यानी यहां पे कीवर्ड ऐड करो डायनामिक रैम में, क्या DRAM क्या होगा, रिफ्रेश किया जा सकता है, DRAM क्या हो सकता है, रिफ्रेश किया जा सकता है। अब DRAM में कीवर्ड्स ऐड करते जाओ, DRAM क्या है, रिफ्रेश्ड, ठीक है, DRAM क्या है हमारा, रिफ्रेश किया जा सकता है, है ना। देखो रिफ्रेश्ड हर फ्यू मिली सेकेंड्स में, किसका बना होता है, कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर्स का, ये एग्जाम में आया हुआ है और मैंने अभी जस्ट कीवर्ड में लिखवाया है, किसका बना है ये, कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर्स का। चूंकि डी रैम बहुत लेस एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा नहीं है, लेस एक्सपेंसिव है किसके, एस रैम के कंपेरेटिवली, इसीलिए इसको कहां यूज किया जाता है, पर्सनल कंप्यूटर्स और सर्वर्स में, ठीक है, यानी ये रिचार्जेबल होता है, चार्ज करते रहना चाहिए डी रैम को, डायनामिक रैम, ठीक है, डायनामिक रैम को क्या है, चार्ज करते रहना चाहिए, ट्रांजिस्टर्स का बना होता है, ठीक है, ये सारा। नेक्स्ट आते हैं एस रैम, एस रैम क्या है हमारा, स्टैटिक रैम, जो मैंने अभी जस्ट बोला, एज लॉन्ग एज द सिस्टम इज पावर्ड ऑन तब तक ये रहता है, जब तक सिस्टम मेरा ऑन है तब तक ये रहेगा। SRAM स्टोर अ बीट यूजिंग अ सीक्वेंशियल सर्किट सिमिलर टू फ्लिप फ्लॉप, इसीलिए इसको फ्लिप फ्लॉप कहते हैं, क्या है, जब तक पावर ऑन है डाटा है, नहीं है तो नहीं है, सो इट डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस, इसलिए इसको रिफ्रेश करने का जरूरत नहीं है हमको। SRAM बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए उसी जगह पे यूज होता है जहां पे स्पीड इंपॉर्टेंट है, जहां पे क्या इंपॉर्टेंट है, स्पीड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या देता है, हाई स्पीड, मैंने अभी जस्ट कीवर्ड में लिखवाया है आपको, सबसे पहले जब हम लोग कर रहे थे, तो ये रिफ्रेशेबल है, इसको रिचार्जेबल है, ये हमारा ट्रांजिस्टर का बना होता है, और ये लेस एक्सपेंसिव है। पर एस रैम क्या है, नो नीड टू रिचार्ज या नो नीड टू रिफ्रेश, है ना, ये कैसा है, फ्लिप फ्लॉप, ये हमारा हाई स्पीड जहां होगा वहां पे इंपॉर्टेंट है ना। फिर हमने इसको पढ़ा कि ये कैश मेमोरी के लिए मेड होता है, कैश मेमोरी का बना होता है एस रैम, और डी रैम हमारा किसका, मेन मेमोरी का, डी रैम हमारा मेनली किसका, मेन मेमोरी का, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, यस। तो अब इसमें बताओ, पहले हमारा एस रैम और डी रैम में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, पहले बताओ एस रैम और डी रैम में कोई दिक्कत किसी को, सभी को समझ तो आ रहा है ना, चलो अब आओ फिर से हम लोग डायग्राम पे पहुंचते हैं। तो हमने अब इसी डायग्राम पे फिर से आओ, हमने डायग्राम का ऑलरेडी क्या क्या देख लिया है, इनपुट यूनिट देख लिया है, कीबोर्ड माउस लाइट पेन जॉयस्टिक्स ये सारा कुछ, फिर हमने ये भी देख लिया सीपीयू, सीपीयू के अंदर हमारा मेमोरी यूनिट जो कि मेमोरी में स्टोर करेगा, कंट्रोल यूनिट जो कि सभी प्रोसेस को कंट्रोल करेगा, और अरिथमेटिक लॉजिक जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन करेगा, ये भी हमने देख लिया। फिर हमारा क्या है आउटपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट भी हमने देख लिया जो कि क्या करेगा, रिजल्ट क्या करेगा हमारे सामने रखेगा, रिजल्ट क्या करेगा हमारे
सामने रखेगा, जैसे कि सॉफ्ट कॉपी डिवाइस, जैसे मॉनिटर, हार्ड कॉपी डिवाइस जैसे प्रिंटर, प्लॉटर, ये सारा। अब इस डायग्राम में कुछ नए टर्म है जैसे कि पेरिफेरल डिवाइसेस। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि व्हाट इज पेरिफेरल डिवाइसेस, फिर हम लोग और पढ़ेंगे। आज पेरिफेरल डिवाइसेस क्या है, ये कनेक्ट किया जाता है कंप्यूटर से जो फंक्शनैलिटी को ऐड करता है, यानी कहने का सेंस है जो आपके कंप्यूटर में और फंक्शनैलिटी ऐड करे, और फंक्शनैलिटी ऐड करे। जैसे मान लो हम, जैसे माउस है, कीबोर्ड है, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइसेज है, इसको हम पेरिफेरल करेंगे। आउटपुट डिवाइसेज जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्टोरेज डिवाइसेज जैसे कि हार्ड ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, ये क्या है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में फंक्शनैलिटी को और एड ऑन करता है। यानी एक ऐसा डिवाइस है जो कनेक्ट कर रहा है कंप्यूटर, बट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कोड, बेसिक कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, पर कंप्यूटर में कनेक्टेड होता है, ठीक है, कोड एलिमेंट होता है कंप्यूटर का। सीपीयू, हमारा कोड एलिमेंट कौन है, सीपीयू, पावर सप्लाई, मदरबोर्ड, ये सारा हमारा कोड, यानी बेसिक, कोई भी कंप्यूटर इनके बिना नहीं आएगा। बट उनमें अलग से जो पेरिफेरल डिवाइसेज होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे माउस एंड कीबोर्ड, मॉनिटर एंड प्रिंटर, इस तरीके के जो डिवाइस होते हैं इसको हम लोग कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस, इसको हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है। अब आओ, अब हमने ये तो कर लिया प्राइमरी मेमोरी, जिसको कि हम लोग इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। दूसरा हमारा क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हमने ऑलरेडी रैम कर लिया, रोम कर लिया। प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही हमारा सीपीयू में आता है रजिस्टर और कैश। अब ये रजिस्टर और कैश क्या है वो देखते हैं। तो देखो यहां पर दिखा है ना, सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में ये मेमोरी होता है, कौन सी मेमोरी, कैश मेमोरी। यस बिल्कुल मुर्मू, कौन सी मेमोरी, कैश मेमोरी। अब ये है क्या, हम वो समझते हैं कैश क्या है। कई बार देखो यहाँ एक एज एन स्टोरी बस समझाने के लिए लिखा है। हम जानते हैं कि प्राइमरी मेमोरी फास्टर डाटा एक्सेस करता है किसके कंपेरेटिवली, सेकेंडरी मेमोरी में। ये कैसे समझेंगे, जब हम लोग हायरार्की देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब हम देखेंगे कि प्राइमरी मेमोरी जो डाटा है उसको फास्टर एक्सेस करता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। तो वही कह रहा है, प्राइमरी मेमोरी कैन बी एक्सेस फास्टर देन डाटा इन सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी एक्सेस करता है टाइम्स टिपिकली इन द माइक्रो सेकेंड्स, बट और सीपीयू और भी किसमें, नैनो सेकेंड्स में, और भी कम, क्योंकि ये दोनों के सेकेंड्स में कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम लैग हो जा रहा है जिसको पे एक्ट करने के लिए, यानी ये जो टाइम लैग हो रहा है, यानी कहने का सेंस है एक माइक्रो सेकेंड पे काम कर रहा है, एक नैनो सेकेंड पे काम कर रहा है, और इंफॉर्मेशन तक पहुंचने में कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कुछ डाटा जो है अंडर यूटिलाइज हो जा रहा है, टाइम लैग हो जा रहा है, टाइम लैग मतलब गैप हो जा रहा है। इसी को ओवरकम करने के लिए एक नई मेमोरी सेगमेंट आई, इस गैप को रिड्यूस करने के लिए, वो कौन सी मेमोरी है, कैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी इंट्रोड्यूस की गई, कैश मेमोरी को इंट्रोड्यूस की गई। तो याद रखना, अब यहां इस डायग्राम से समझ आएगा, सीपीयू कैसे काम करता है, नैनो सेकंड में, प्राइमरी मेमोरी कैसे काम करता है, माइक्रो सेकंड में। ये दोनों के बीच में डाटा पहुंचने के बीच में कुछ ना कुछ टाइम लैग हो जाता है, कुछ ना कुछ गैप हो जाता है, और इसी गैप को रिड्यूस करने के लिए कौन सा मेमोरी आया, हमारा कैश मेमोरी आया, ठीक है, कैश मेमोरी आया। तो कैश मेमोरी क्या है, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा मेमोरी है, पर बहुत फास्ट कंपोनेंट प्रेजेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम में, जो कि किसके बीच में होता है, मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में। और एग्जाम में आया हुआ है कि कौन सी मेमोरी हमारी मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में होती है। हाँ ठीक है सायमा, कोई बात नहीं। फॉर दिस अरेंजमेंट टू बी इफेक्टिव एनफ, है ना, तो ये कह रहा है दे कैन इंप्लीमेंट द मेन मेमोरी इजली व्हाइल इंक्रीजिंग इट्स स्पीड ऑफ परफॉर्मेंस। वो क्या करेगा, स्पीड ऑफ परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए वो इसका इंप्लीमेंटेशन कर सकता है। यानी कैश मेमोरी जनरली किसके बीच में लाई करता है, सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी जो कि हमारा रैम है उसके बीच में, ठीक है, उसके बीच में हमारा जो है कैश मेमोरी लाई करता है। अब यहां आ जाओ, यहां देखो आपको एक रजिस्टर भी दिखा रहा है किसके अंदर, प्राइमरी मेमोरी के अंदर, तो इसको भी समझते हैं। रजिस्टर क्या है, और भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट है फॉर डाटा होल्डिंग, डाटा को होल्ड करने के लिए और भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। कौन से डाटा, जैसे एड्रेस रजिस्टर, यानी कहने का सेंस है कंप्यूटर के सिस्टम में जब हम एड्रेस को रजिस्टर करते हैं वो हमारा,
थैंक यू मुनमुन। हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, हमारा एक्यूमुलेटर यानी कहने का सेंस है जो और भी ऐसे बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा जो कि किस साइज में हो सकता है, हमारा 3264 इन बीट्स की साइज में हो सकता है। अब ये साइज क्या है हम लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना समझो कि एक कंप्यूटर हमारा इन साइज में होता है, हमारा 2 पे पावर n साइज में होता है, 32, 64, 128 इस तरीके से, तो वो हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। तो उसको कहते हैं रजिस्टर, यानी रजिस्टर क्या है, एक्ट करता है सर्टेन मेमोरी लोकेशन जो कि डायरेक्टली एक्सेस करेगा कंप्यूटर में। थैंक यू मुनमुन, थैंक यू सो मच। ठीक है, रजिस्टर क्या है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है फॉर डाटा होल्डिंग। स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, सभी को यार टेलीग्राम पे जरूर कमेंट करके बताना कि सेशन कैसा लगा, ठीक है, सेशन में समझ आया कि नहीं। तो ये हमारा क्या है, डाटा होल्डिंग है, ये भी डाटा होल्डिंग है, और ये अब इसको हम लोग हायरार्की में देखेंगे, अभी के लिए सिर्फ दिखा रही हूं आपको इमेज, करेंगे कल हम लोग हायरार्की में देखेंगे। इसीलिए रजिस्टर मेमोरी सबसे पहले होता है कैश मेमोरी के, क्योंकि ये इससे भी स्मॉल होता है और इससे भी ज्यादा जल्दी डाटा को एक्सेस कर पाता है, ठीक है, इसको जो कि हम लोग कल देखेंगे। तो ये हमारा था रजिस्टर। अब आता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी वो जिसमें हम परमानेंटली डाटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं प्रोग्राम को। ये कई सारे रजिस्टर्स के कलेक्शंस क्या है, कलेक्शंस है रजिस्टर्स के। इसी को हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि क्यों ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं, क्योंकि चूंकि प्राइमरी मेमोरी हमारा वोलाटाइल है यानी बहुत जल्दी उड़ जाता है। कोई बात नहीं बिट्टू, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी हमारा जल्दी उड़ जाता है, बहुत स्टोरेज अमाउंट स्पेस नहीं होता है, इस वजह से हमें जरूरत है बिगर स्टोरेज का, और वो बिगर स्टोरेज का नीड कौन फुलफिल कर रहा है, हमारा सेकेंडरी मेमोरी, इसीलिए इसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। ये कैसा है, नॉन वोलेटाइल होता है, यानी डिफर इट डिफर फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी इन दैट इट इज नॉन वोलेटाइल एंड नॉट डायरेक्टली एसेसिबल। नॉट गुड इवनिंग विकी, नॉट डायरेक्ट। अब याद रखना, हमने देखा प्राइमरी में भी रैम और रॉम था, जिसमें रॉम क्या था, नॉन वोलेटाइल था, इसलिए कई जगह आप किसी कई जगह देखोगे बुक्स में भी, इवन कई जगह एजुकेटर्स या जो भी हैं वो भी पढ़ा देते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी में हमारा रॉम आता है, लेकिन याद रखना नहीं, प्राइमरी में हमारा हमेशा रॉम आता है, नॉन वोलेटाइल है, ओके फाइन, सेकेंडरी भी मेरा नॉन वोलेटाइल है लेकिन ये अलग है, ठीक है, और इसीलिए इसको एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। वोलेटाइल का मतलब जो उड़ जाएगा डाटा, जैसे कई बार होता है ना सुरजीत, आपने किसी कंप्यूटर में मान लो ऑन किया, उसको स्टोर नहीं किया, स्टोर नहीं किया तो क्या होगा, हमारा डाटा उड़ जाएगा, लेकिन अगर हम स्टोर करके रख लेंगे तो वो उड़ेगा नहीं, तो वही होता है हमारा वोलेटाइल। स्टोर सेकेंडरी नॉन वोलेटाइल है, मतलब ये बिल्कुल भी उड़ेगा नहीं डाटा, ठीक है। अब सेकेंडरी मेमोरी में यानी हिंदी में इसको देखो गैर वाष्प सील कहते हैं। अब सेकेंडरी मेमोरी के यूज की बात करेंगे तो तीन मेजर यूज है, परमानेंट है सेकेंडरी, लार्ज स्टोरेज और पोर्टेबल है। पोर्टेबल कहने का सेंस है कहीं भी लेके जा सकते हैं, जैसे कि हमारा पेन ड्राइव है, सीडी है, कहीं भी लेके जा सकते हैं। लार्ज स्टोरेज है, लार्ज स्टोरेज क्या, कई सारे डाटा को स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, और परमानेंट होता है, वोलेटाइल नहीं है, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है, क्योंकि क्या है ये नॉन वोलेटाइल। तो आपकी कॉपी में ये यही इमेजेस होना चाहिए, बस फ्लो चार्ट पूरा पेपर वन का नोट्स फ्लो चार्ट से करो, बहुत काम देगा। अब ये सब हमारे अलग अलग प्राइम सेकेंडरी डिवाइस के स्टोरेज के हैं, जैसे मैग्नेटिक टेप हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गया, यूएसबी हो गया, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, ये सब क्या है हमारे सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर आते हैं। अब सेकेंडरी मेमोरी भी हमारी दो तरीके की होती है, एक फिक्स्ड एक रिमूवेबल। एक कौन सी, फिक्स्ड यानी जिसको कि हम क्या कर सकते हैं, नहीं पोर्टेबल है, यानी कहने का सेंस है जिसको हम लेके नहीं जा सकते, वो कौन सी हमारी, हार्ड डिस्क। अब तो ये भी हमारी अलग से हम लगा देते हैं सिस्टम में, खराब हो गया तो हमने हार्ड डिस्क लगा दिया, एसएसडी अलग से लगा दिया, एसएसडी जिसको सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं, और इंटरनल फ्लैश मेमोरी। अब इनका डिटेल हम लोग कल की क्लास में करेंगे, कल हम लोग दो कंसेप्ट पढ़ेंगे, एक तो हम मेमोरी हायरार्की पढ़ेंगे, ठीक है, और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी के ये इन सब टाइप्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, फिक्स्ड स्टोरेज है,
और रिमूवेबल, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क, जैसे कि मेमोरी कार्ड, जैसे कि मैग्नेटिक टेप्स, जैसे कि हमारा डीवीडी, सीडी, ब्लूरे, ये सब क्या है? हमारा रिमूवेबल स्टोरेज है। ये सारे क्या है? हमारे रिमूवेबल स्टोरेज है, ठीक है। अब सेकेंडरी मेमोरी का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, अभी जस्ट हमने देखा। रीयूजेबल होता है, रिलायबल होता है, क्योंकि फिजिकल स्टेबिलिटी है, कंसिस्टेंसी रहेगा डाटा में। कन्वीनियंट है हमारे लिए, क्योंकि हम क्या है, खूब सारे डाटा को क्विकली एक्सेस कर सकते हैं, जब चाहे जहां चाहे। कैपेसिटी भी इसकी बहुत ज्यादा है, लार्ज डाटा स्टोर कर सकता है, और कॉस्ट क्या है, लेस एक्सपेंसिव है ना, टेप या डिस्क से देन प्राइमरी मेमोरी से क्या है, लेसर एक्सपेंसिव है, कम महंगा है ना। तो यहां तक इसकी कैरेक्टरिस्टिक में भी आप कीवर्ड लिखना सिर्फ जो ऊपर ऊपर है। तो यहां तक में कोई डाउट है तो बोलो, पहले यहां तक में किसी को कोई डाउट है तो बोलो। गुड इवनिंग चंद्रिका। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम नहीं जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको हर समय नोटिफिकेशन मिलती रहेगी कब क्लास है, नहीं क्लास है। चलो, तो अब हम लोग पूरे जो आज की क्लास में पढ़ा है एक बार उसको रिकॉल करते हैं, बस एक बार देख ले कुछ पॉइंट जो छूटता तो नहीं है, मैंने सब करा दिया है ना। अब देखो, ये बस अभी दिखाने के लिए, नया पेपर वन के लिए देखो। अगर आपको PYQ की बुक लेनी है तो बेस्ट है नवदीप मैम की PYQ की बुक ले लो, फायदा रहेगा। 2004 से लेकर के आपको 2000, अभी जो नया एग्जाम है वो भी क्वेश्चंस मैम दे देंगी आपको ऑनलाइन इतने वाले, तो ये एक बुक ले लो। और कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कंटेंट के लिए आपको एवरीवेयर सब कुछ फ्री में मिलेगा। अगर एक KVS मैदान बहुत मन है किसी को दो बुक रखने का, तो KVS मैदान रख सकते हो, एल्स आपके लिए यही दो बुक बेस्ट है, जरूरत ही नहीं है कोई और बुक लेने का। चलो, तो अभी देखो हमने जस्ट बात की रजिस्टर, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, फिर ये हमारा सेकेंडरी है। अब ये कैसे हो है? हम लोग इसको कल याद करेंगे, ठीक है। ये हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया है, यहाँ पर भी देखो ये भी हमने कर लिया है, ये भी कर लिया है, ये भी कर लिया है, हाँ ये रह गया था हमारा। हमारे कंप्यूटर का बेसिक पार्ट्स क्या है? सीपी, कौन है सीपी? बेसिक पार्ट क्या है जो कंप्यूटर जिसके बिना काम नहीं करेगा? पहला प्रोसेसर, प्रोसेसर मतलब जिसमें इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया जाएगा, हमारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। मेमोरी, दूसरा क्या? मेमोरी, बिना मेमोरी के डाटा स्टोर नहीं होगा, क्योंकि ठीक है मेमोरी स्टोर नहीं होगा क्योंकि क्योंकि क्या है, प्राइमरी मेमोरी फॉर डाटा ट्रांसफर सीपीयू एंड स्टोरेज होगा। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड क्यों? क्योंकि ये कनेक्ट करता है ऑल अदर पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, तो ये भी हमको चाहिए। स्टोरेज डिवाइसेज भी चाहिए, जैसे हार्ड ड्राइव, इनपुट डिवाइसेज भी चाहिए और आउटपुट डिवाइसेज भी चाहिए, जो हमको डाटा को इनपुट देगा और आउटपुट डिवाइस जो हमारे डाटा को आउटपुट में देगा, है ना। तो ये पांच छह चीज हमारे जिसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है, ये होना जरूरी है, ठीक है, क्लियर है। और ऑलरेडी हमने इसके फंक्शंस देख लिए, क्या ये डाटा को एक्सेप्ट करेगा, डाटा को स्टोर करेगा, प्रोसेस करेगा, रिजल्ट करेगा और सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करेगा कंप्यूटर, है ना। सारे ऑपरेशंस को क्या करेगा? कंप्यूटर कंट्रोल करेगा, राइट। चल, अब हम लोग पूरा क्लास को एक बार में पूरा रिकॉल कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोग जल्दी जल्दी अब अपनी अपनी कॉपी को बंद करो, सबने ऑलरेडी नोट्स लिख रखा है। अब आपके माइंड में जो जो पॉइंट्स आ रहा है मेरे साथ बोलते चलो। सबसे पहले तो हमने पढ़ा कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या करेगा? डाटा को स्टोर करेगा, रिट्राइव करेगा, है ना, और जल्दी बताओ ट्रांसफर करेगा। फिर हमने पढ़ा कि कंप्यूटर में क्या होता है? ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम में हमने क्या देखा? कहां से शुरू हो रहा है? इनपुट यूनिट, फिर वो क्या, और एक मिनट बस वेट करो। हेलो,
भैया उधर से आइए ना, आगे से देकर के 5 मिनट में हम आते हैं क्लास के लिए। अच्छा तो फिर आ रहे हैं, 2 मिनट रुकिए, आ रहे हैं। 1 मिनट वेट करो गाइस, दूध वाले भैया आए हैं, दूध लेके आ रही हूँ, ठीक है। अरे बाप रे, भागना मत कोई, मैं आ रही हूँ, बस 1 मिनट। हेलो, सब हो? सॉरी गाइस, सब कोई हो? सब हो ना, कोई भागे तो नहीं हो? मैं दौड़ दौड़ के आई हूँ, थक गई। एक्चुअली रूम शिफ्ट किया है ना, तो अब मुझे नीचे जाना पड़ता है, दूध वाले भैया को ऊपर आना मना है, इसीलिए सॉरी। चलो ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे थे, इनपुट यूनिट। ब्लॉक डायग्राम में क्या था हमारा, इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट के बाद हमारा पूरा सीपीयू। सीपीयू में कौन कौन आ रहा था हमारा, एएलयू, सीयू और मेमोरी यूनिट। और क्या, मेमोरी यूनिट, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आया, आउटपुट यूनिट। सीपीयू में हमारा मेन कौन होता है, दो, एएलयू और सीयू, जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात ये करता है और सभी को कंट्रोल या हाउ टू रिस्पॉन्ड कौन बताता है, सीयू बताता है। और मेमोरी में हमारे दो आते हैं, कौन, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी को ही हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। इसी को हम लोग इंटरनल भी कहते हैं, कई जगह ये भी देखोगे, और इसी को हम लोग एक्सटर्नल भी कहते हैं, है ना। फिर प्राइमरी मेमोरी हमारी कितने में डिवाइड हुई, दो में, रैम और रोम, जिसमें ये क्या है, वोलाटाइल है, और ये क्या है हमारा, नॉन वोलाटाइल है। ये क्या है हमारा, नॉन वोलाटाइल है ना। रैम भी हमारी दो भाग में डिवाइड हुई, कौन सी, डी रैम और एस रैम। और रोम भी हमारी कितनी भाग में, ई रोम, डबल ई रोम, प्रोम और एम रोम, है ना। हाँ वेरी गुड। फिर सेकेंडरी हमारी दो भाग में, एक जो रिमूवेबल और एक जो फिक्स्ड, है ना। एक ऐसी डिवाइस जो रिमूवेबल है और एक ऐसी जो हमारी क्या है, फिक्स्ड डिवाइसेज है। रिमूवेबल में हमारा क्या आया, पेन ड्राइव, ब्लू डिस्क, ये सारा। और फिक्स्ड में हमारा क्या आया, हार्ड डिस्क, एसएसडी, ये सारा हमारा किस में आया, फिक्स्ड में आया। और सेकेंडरी भी हमारी कौन सी मेमोरी है, नॉन वोलाटाइल। कौन सी, नॉन वोलाटाइल, है ना, कौन सी, नॉन वोलाटाइल। यस वेरी गुड विक्की।
तो ये सारा आज की सेशन में हमने करा है, प्राइमरी SRAM DRAM क्या होता है सारा कुछ देखा है। अब दो चीज और पढ़ा, CPU, चलो इसको, अब ये जो हमारा यहाँ पे CPU है और यहाँ मेमोरी है, इस CPU और मेमोरी के बीच में, यानी CPU और प्राइमरी मेमोरी के बीच में डाटा को पहुंचाने के लिए कौन सा मेमोरी काम करता है? कैश मेमोरी। कौन सा मेमोरी? कैश मेमोरी काम करता है। और यही कैश मेमोरी से और भी फास्टेस्ट कौन है हमारा? रजिस्टर है। कौन है हमारा? रजिस्टर है। कौन है हमारा? रजिस्टर है। ठीक है ना, याद, वेरी गुड। तो याद रखना, अब आधा हायरार्की आपको यहीं पे याद हो गया ना, याद गई। सबसे फास्ट कौन? रजिस्टर। रजिस्टर के बाद कौन? कैश। कैश के बाद कौन? प्राइमरी मेमोरी। आधा मेमोरी हायरार्की तो आपको इसी क्लास में याद हो गया, और इसको रटने की भी अब जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कंसेप्ट से याद हो गया है ना। उम्मीद करते हैं कि कंसेप्ट से याद हो गया होगा, ये मैं अज्यूम कर रही हूँ क्योंकि मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और फिर प्राइमरी मेमोरी के बाद हमारे अलग अलग सेकेंडरी मेमोरी आते हैं जिसको कि हम करेंगे, है ना। तो इसको हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब कल में या तो मैं पेपर वन का यही ICT लेसन 2 कंटिन्यू करूंगी, जिसमें कल हम लोग हायरार्की और सेकेंडरी मेमोरी के जितने भी है वो सारा करेंगे, ठीक है, जिसमें और भी जो सेकेंडरी मेमोरी के जो पॉइंट्स रह गए वो करेंगे। और अगर पेपर वन कल नहीं किया तो कल हम पेपर टू का जो UPSC वाला, UPPGT वाला जो कर रहे हैं प्रैक्टिस वो करेंगे। इससे आपका पेपर वन एक दिन, पेपर टू एक दिन चलेगा, तो वो साथ साथ चलता रहेगा। तो कल हम लोग अगेन 7 PM पे मिलेंगे, ठीक है, और इसको कंटिन्यू करेंगे। एंड बाकी लोग सभी को अपने सेशंस को शेयर करो, सेशन को लाइक करो, और जो लोग भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, ठीक है, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, जो लोग भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े, ठीक है। तो मिलते हैं कल 7 PM पे। एंड यस, हमारी न्यू बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है गाइस, जो भी इस न्यू बैच में एनरोल होना चाहता है फॉर पेपर टू जुड़ सकते हो। बहुत अच्छे से सारा कुछ कवर अप हो रहा है विद ऑल स्ट्रेटेजी, पेपर वन पेपर टू सब कुछ, बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो जो जुड़ना चाहते हो वो इस कोर्स में जुड़ सकते हो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एवरीवन। प्रीति, आज समझ में आया आपको? गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।